बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं दो अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थीं। स्वयं उनकी पत्नी का इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, आन रेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना ही यही स्वीकार था कि अपने आप को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने गए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक ना थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। परंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया?
आनंदी ने उत्तर दिया। आज तो कुछ पाँव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उससे मैके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मारा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नौकर खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से ना रहा गया, खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। अंत में शनि को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध ना रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई छोटे नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा था? आनंदी की त्योरी चढ़ गई, झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी, बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं उकरता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा, मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नौकर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी, यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं, बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। इस तरह विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी।
दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात एक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया, केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और ना सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया, बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस मेरा यही अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते, मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से द्योड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया, तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं।
मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी को सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोछी, जिससे कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी, उसे इसका तनिक भी ना ध्यान था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? भीतर बुला लो, मेरी जीभ भी आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। मैं नहीं बुलाऊंगा। पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानी हो गई है, ऐसा न हो कि वह चल दे। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा, बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है।